नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के फट्टे के साथ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो अपने वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जंगू, नहीं जम्मू, न थी, तू जा भाड़ में। ये जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो दो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बसुआ मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर? क्या खाना? हाँ चोली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूंघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है, इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुलूम है, सारा काम करूं मैं खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तुम उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना, जाके कपड़ा दो। गिल्ली कर रहा है मेरी, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ शु काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शु शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू घाघरो ने छोड़ी? हाँ घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो छोड़ी? आप दो ना, आप दो ना, आप दो ना। जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा ये प्राणी यहाँ बैठा। जबाना, जबाना। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। तो मारा? वहाँ भी मारा। जबाना रे। रोता क्यों आप, कहीं मत जाना। हाँ यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले प्लेट ले दो। जबाना
ये तो जानवर की चमड़ी नहीं चपाती है तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा? अचार जोइए छे? हां जोइए छे। आले चार, एक बे तीन चार, ठीक है, छह पांच छह। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? बोका बोका हलो चार बड़े चमड़े खाने को मिल रही, वो भी सारा तेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ, इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। खैर जरा अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। मैं तेरा भाई हूँ साले। छोड़ दे। हाँ बाबा साले।